हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की महामानव पराक्रम श्रद्धांजलि यात्रा चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में अस्थि कलश को लेकर आयोजित की गई, जिसमें अनेक पंचायतों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं व आम जनता ने वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार ने कहा कि हर कोई वीरभद्र सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता है। हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, ये वीरभद्र सिंह की जमीनी पकड़ को दिखाता है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह के जाने से हिमाचल की राजनीति को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि 17 जुलाई को कालेश्वर में अस्थि विसर्जन किया जाएगा। इस मौके पर चिंतपूर्णी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरमन प्यारे राजा नेता राजा वीरभद्र सिंह जी युग पुरुष जो कल रामपुर से उनसे अस्थि कलश शिमला आए थे, जो कि कांग्रेस पार्टी ने हर विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्षों को बुला के उनको यहाँ अपने अपने क्षेत्र की जनता के जैसे डिमांड थी उन क्षेत्रों को भेजा था। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चिंतपूर्णी की अध्यक्षता में आज चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में सुबह से स्वारी पंचायत से लेके एक काफिला चला हुआ है और जनता का काफिला बढ़ता जा रहा है। ये दिखाता है कि जनता के मन में राजा साहब के प्रति कितना प्यार है। आज कुछ लोग आँखें जिनकी भर आई ये छीन दे के जो राजा साहब को दिल से चाहते थे उनका मन भर आया, उन्होंने अपने यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ये काफिला जो है आप पूरे चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में सारा दिन ये काफिला चलेगा और शीतला माता मंदिर जो चिंतपूर्णी से आगे है वहाँ जाके खत्म होगा। सारे विधानसभा क्षेत्र की जनता की मांग को, क्योंकि राजा साहब को जो वो जन जन ये चाहता था, दिल से प्यार करता था, वो उनको श्रद्धांजलि देना चाहता है। इस करके आज सारे विधानसभा क्षेत्र में ये जो पराक्रम यात्रा है उसको सारे चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में ले जाया जाएगा, ताकि हर एक जो यहाँ का जन जन है जो राजा साहब से प्यार करता है वो अपने श्रद्धा स्वरूप सुमन अर्पित कर सके। और उसके बाद राजा साहब की अस्थि कलश जो है हम रेस्ट हाउस में रोड में रखेंगे और सुबह हम यहाँ से जो कालेश्वर महादेव है जो बहुत ही एक छोटा मिनी हरिद्वार माना जाता है उसमें इनका जो है विधिवत विसर्जन करेंगे। पूरे मंत्रोच्चारण के साथ विसर्जन करेंगे और राजा साहब को अपनी पूरी तहे दिल से श्रद्धांजलि देंगे। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से उनका बड़ा लगाव था, बड़ा उन्होंने विकास किया, आज लोग उनको याद कर रहे हैं। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए अंब से संतोष कौशल के साथ रोहित कालिया।